कहते हैं उन्हें तो योगी का संरक्षण प्राप्त है, तो योगी जी को ये भून के खा रहा है यहाँ बैठ के। तो महिला सुरक्षा की बात करती है भाजपा, तो महिला सुरक्षा महिला सम्मान की बात करती है। ये सोचिए मैं 71 साल की महिला हूँ, उसकी माँ के बराबर हूँ, उसने जो बदतमीजी बेहदी मेरे साथ में जो उल्लंघन किया है इसकी सजा तो मैं देके ही रहूंगी। इसको रह सकता है कभी खुश नहीं रह पाएगा और किसी जिले में ढंग से ये काम कर ही नहीं पाएगा। ये सुनने में आए शराबी भी है, ये अय्याशी भी है, इसके अंदर सारे काम है। इसके अंदर कौन सा ऐसा काम नहीं जो इसके अंदर नहीं है, जो हमें आप सुनने को मिला है। मुझे बताइए, मैं तो बड़ा विश्वास आई थी कि हमारा DM है, हमारे जिले का हमारा अधिकारी है, बेताज बादशाह होता है हमारे जिले का, वो बात को हमारी सुने, गरीब जनता की बात को सुने, आगे बढ़ाएगा, योगी का साथ देगा। लेकिन नहीं, ये इतना गद्दार है व्यक्ति, जितनी सजाएं मिले ऐसे वो कम है, कम है, कम है। और KGN इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है, मैं खान रिपोर्टर शाहजहां। और शहीदों की नगरी शाहजहांपुर में 71 वर्षीय महिला ने लगाया जिला अधिकारी पर आरोप अभद्रता का, लेकिन यह भी कहना है कि योगी के खास आदमी हैं जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह। महिला ने यहां तक कह दिया, हालांकि इस मामले में हमने जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह को फोन लगाया 8:56 पे, 8:55 पे, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। एक बार फिर बता दें, 8:55, 8:56 पर हमने 2-2, 3-3 बार कॉल करी, लेकिन फोन नहीं उठा। कभी तो ये बताता था कि नेटवर्क क्षेत्र से बाहर आए, कभी नेटवर्क नहीं मिल रहे थे, लेकिन क्या कंडीशन थी। और उसके बाद हमने 9:17 पर जिला अधिकारी को फोन लगाया और फिर हमने लगाया 9:18 पे कि आखिर जानकारी लें कि मामला क्या है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो आगे की कहानी हम बताते हैं जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह के पास। हालांकि आपको बताते हैं, जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह सुर्खियों में रहते हैं, एक सुर्खी और बड़ी, लेकिन महिलाओं का आरोप है कि जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह के पास वो गईं और जाने के बाद उनका यह भी आरोप है कि उन्होंने अभद्रता करी। ये देखिए, जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह जा रहे हैं, अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं, महिलाएं उनके पीछे पीछे हैं, तो जिला अधिकारी ने कतई कुछ भी नहीं किया। अगर कोई बात नहीं थी तो रुकते कहते क्या बात है, क्यों हंगामा कर रही हो। लेकिन जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह बाखूबी आप देख लीजिए, महिलाएं पीछे पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रही है, लेकिन जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह चैंबर से निकले और सीधे गाड़ी के अंदर चुपचाप बैठ गए। आखिर क्यों, कुछ तो है। हालांकि महिलाओं ने बहुत सख्त आरोप लगाया, भद्रता का लगाया, और यहां तक 71 वर्षीय महिला ने खरी खोटी की सारी हदें पार कर दी। हम आपको विस्तार से आगे सुनाएंगे, लेकिन जब जिला अधिकारी को हमने फोन करा, 4-5 काले गई, कोई रिस्पांस नहीं मिला। और ये देखिए बाखूबी, महिलाएं हंगामा करती रहीं, महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह आए दिन सुर्खियों में रहते क्योंकि उनकी भाषा शैली ऐसी है, लेकिन सुधारना होगी भाषा शैली। और शहीदों की नगरी में ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन नई बात एक जरूर है कि किसी इस अधिकारी के ऊपर इतने आरोप अभी तक नहीं लगे कि जितने आरोप जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह के पे लगे। ये 5वां आरोप है, आखिर है क्या, पूरी कहानी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी। लेकिन अफसोस, एक जिम्मेदार अधिकारी, अगर ये बात सही है तो इस तरह की भाषा शर्मनाक, निंदनीय है, सोचना होगा योगी सरकार के साथ साथ योगी के लोग भी, क्योंकि आए दिन सुर्खियों में रहते ऐसा क्यों। लेकिन खैर, देखिए विस्तार से महिलाओं ने किस अंदाज में उग्र रूप अपनाया, विस्तार से हम आपको दिखाते।
वर्षीय महिला जुझारू महिला, उनका ये कहना था 71 साल में जो अभद्रता नहीं सुनी वो आज खुद ही हमारे ऊपर बीती। क्या कुछ कहना है सुनते। मिलने गए थे जी, क्या कुछ घटना घटित हुई वहाँ पर, क्या बात हुई, किन समस्याओं को लेकर के आप गए? सर ऐसा है कि मैं राष्ट्रीय शक्ति दल की जो हमारा सामाजिक संगठन है उसकी तरफ से कुछ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिन्होंने फार्म डाल रखे हैं, 2-3 साल हो गए उन लोगों के लिए, महिलाओं को और पुरुषों के लिए, तो वो कई बार डूडा के चक्कर लगाए, कई लेखपालों के चक्कर लगाए उन्होंने, कई किसी तरह कई और लोग आए उनके भी सबसे हाथ पैर जोड़ते रहे कहते रहे, लेकिन उन्होंने फिर बाद में आके हमसे शिकायत की कि दीदी हमारी तो बात कहीं सुनी नहीं जा रही है, कोई हमारा हम डूडा में जाते हैं तो वहाँ से भी हमें भगा दिया जाता है और लेखपाल से बात करते हैं तो पैसे लेके चले जाते हैं, तब भी कोई बात नहीं हो पाती है, तो हम बताइए हम क्या करें, हम कहाँ जाएँ, आप हमारी समस्या बात को लेकर आप चलें और डूडा में शिकायत करें। हम डूडा में नहीं, हम जो ज़िले के अधिकारी हैं उन अधिकारी के पास चलेंगे, उनसे बात करेंगे चल के, वो और धैर्य से बात को सुनेंगे क्योंकि उच्च अधिकारी ही बात को सही से सुनते हैं। हम इस आश्वासन से यानी इतने विश्वास के साथ हम इनके पास लेके आए इन लोगों के लिए, लेकिन बहुत जनता हमारे पास थी, 30-40 लोग थे, हमने कहा नहीं सबको नहीं ले जाएंगे क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल चल रहा है, उसमें अंदर जाने को भी नहीं मिलेगा, 8-10 लोग जो हैं वो चलो साथ में बाकी वापस जाओ, तो इतने लोगों को हम लेकर यहाँ पे आए। अंदर भी हमको जाने को 2 लोगों को अनुमति हुई, तीसरी लोग महिला हमारे साथ आ गई, 3 लोग हम अंदर गए। एक हमारी राष्ट्रीय शक्ति दल की जिला अध्यक्ष हैं बिंदु सिंह जी, वो थी, एक हमारी जिले की महामंत्री हैं पूनम सिंह, बाकी भी बता रहे हैं अभी। उसके बाद हम लेके गए और उनके आगे अपना मांग पत्र रखा, शिकायती पत्र, तो हमने कहा सर ऐसा है ये 3-4 साल से लोग मारे मारे घूम रहे हैं और इनको आप देख लीजिए, तो बोले पढ़ा, पढ़ने के बाद बोले यहाँ खैराज नहीं बढ़ती है, जाइए यहाँ से, बोले यहाँ खैराज नहीं बढ़ती है, जाइए यहाँ से, तो मैंने कहा सर जाइए यहाँ से, ये बताइए अगर खैराज नहीं बढ़ती है तो ये सरकार जो है गरीब जनता को लालीपाप क्यों देती है। हम तो तेज बोलना, लेकिन हमने उनसे इस भाषा में हमने कहा आप ये बताइए फिर ये लालीपाप क्यों देती है, बोले ये समझ के आप चलिए पैसा नहीं मिलेगा, तो हमने सर ऐसा है नहीं मिलेगा, आप इस पर लिख दीजिए जिससे हम बाहर जाके जनता को समझा सके कि पैसा नहीं मिलने वाला है, आप लोग शांति से बैठ निकालो उस बदतमीज महिला को, तो हमने बदतमीज तो आप ले रहे हैं हमारे साथ में, हम कहाँ दे रहे हैं। ये बात किसने बोली? ये इंद्र कुमार सिंह ने बोली है, जो DM है शाहजहाँपुर के, उन्होंने ये बात बोली है मुझसे, उनसे ही मेरी सारी वार्ता हुई है। उसके निकालो उस बदतमीज महिला को, तो हमने बदतमीज तो आप ले रहे हैं हमारे साथ में, हम कहाँ दे रहे हैं। ये बात किसने बोली? ये इंद्र कुमार सिंह ने बोली है, जो DM है शाहजहाँपुर के, उन्होंने ये बात बोली है मुझसे, उनसे ही मेरी सारी वार्ता हुई है। उसके बाद उन्होंने मुझे पुलिस वाले बुला के, औरजली को अपने बुला के मुझे धक्के मार के अपने गेट से बाहर निकलवाया। 30 साल की राजनीति में मैं हूँ यहाँ पे, आप सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से, आज तक कोई ऐसा DM, कोई SP, कोई ADM, कोई भी किसी प्रकार का आज तक ऐसा व्यक्ति मेरे नॉलेज में नहीं आया मेरे जीवन में जो इस तरह की भाषा में बोला हो, वो भी महिलाओं से, आज तक पुरुष से नहीं कोई ऐसी इस तरह की भाषा बात करते। इनको बैठाया तो इसीलिए गया कि अब जनता की बात को सुने, उन्हें संतुष्ट कराएं। क्या ये इस तरह से भाजपा को वोट दिलवा सकते हैं? ये तो वोट को और गिरा रहे हैं यहाँ बैठकर, दुष्ट कराएं। क्या ये इस तरह से भाजपा को वोट दिलवा सकते हैं? ये तो वोट को और गिरा रहे हैं यहाँ बैठकर, जो सोचते हैं कि जिनको मंत्री जी ये कहते हैं, लोग कहते हैं उन्हें तो योगी का संरक्षण प्राप्त है, तो सोचते हैं कि जिनको मंत्री जी ये कहते हैं, लोग कहते हैं उन्हें तो योगी का संरक्षण प्राप्त है, तो योगी जी को ये भून के खा रहा है यहाँ बैठ के। तो महिला सुरक्षा की बात करती है भाजपा, तो महिला सुरक्षा महिला सम्मान की बात करती है, ये सोचिए मैं 71 साल की महिला हूँ उसकी माँ के बराबर हूँ, सम्मान की बात करती है, ये सोचिए मैं 71 साल की महिला हूँ उसकी माँ के बराबर हूँ, उसने जो बदतमीजी बेहदी मेरे साथ में जो उल्लंघन किया है इसकी सजा तो मैं देके ही रहूँगी, इसको रह सकता है कभी खुश नहीं रह पाएगा और किसी जिले में ढंग से ये काम कर ही नहीं पाएगा। ये सुनने में शराबी भी है, ये अय्याशी भी है, इसके अंदर सारे काम है, इसके अंदर कौन सा ऐसा काम नहीं जो इसके अंदर नहीं है, ये हमें आप सुनने को मिला है। मुझे तो बताइए, मैं तो बड़ा विश्वास आई थी कि हमारा DM है हमारे जिले का, हमारा अधिकारी है, बेताज बादशाह होता है हमारे जिले का, वो बात को हमारी सुने, गरीब जनता की बात को सुने, आगे बढ़ाएगा, योगी का साथ देगा, लेकिन नहीं, ये इतना गद्दार है व्यक्ति, जितनी सजाएं मिले ऐसे वो कम है, कम है, कम है। हालांकि शहीदों की नगरी शाहजहांपुर की वृद्ध महिला, 71 वर्षीय महिला जो कि पुरानी कार्यकर्ता है, समाज सेविका है, जिस तरीके के आरोप लगाए हैं बेहद निंदनीय है, अशोभनीय है, दर्दनाक है, अफसोसनाक है। लेकिन आपको बता दें, इसी बात पर हमने जिलाधिकारी को जानकारी करने के लिए फोन लगाया 8:55 और 8:56 पर। कॉले बराबर
गई, लेकिन नेटवर्क न होने के कारण कंप्यूटर वही घिसा पिटा रूप बताता रहा कि नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। फिर हमने 9:17 पे लगाई, 9:18 पे लगाई, लेकिन वही जो कि अमूमन कंप्यूटर में फंक्शन जो कि मोबाइल में होते हैं वो लगा लिया, लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं मिला जिलाधिकारी की ओर से, कोई भी हमको जवाब नहीं मिला। तो फिर हमने मजबूरी खबर को अपडेट कर, अपडेट करने के बाद में ये मामला पहला नहीं है जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह का, कई मामले ऐसे हो चुके। आखिर क्यों? अपनी भाषा शैली में सुधार लाना होगा। क्यों? क्योंकि 71 वर्षीय महिला ने जो आरोप लगाए बेहद निंदनीय है, शोभनीय है। जिले की कमान है उनके पास, जिला मजिस्ट्रेट है वो, जिला अधिकारी, सोचना होगा। और इसके साथ साथ सरकार को भी सोचना होगा ऐसे अधिकारी के बारे में। क्यों? क्योंकि अमूमन शहर में ये चर्चे हैं कि जिला अधिकारी विक्रम सिंह योगी के गृह जनपद गोरखपुर में रह चुके हैं, इसलिए योगी से खास पैठ है। लेकिन फिर भी शहीदों की नगरी शाहजहांपुर में जिस तरीके की भाषा शैली महिला बता रही है, सच्चाई है झूठ ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि यही जानकारी लेने के लिए जिलाधिकारी को फोन लगाया, जिस पर फोन उसके बाद में नहीं उठा और कहीं पे ये बताया कंप्यूटर ने कि नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। लेकिन अमूमन जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह को सोचना होगा, लचकना होगा, व्यवहार बदलना होगा, भाषा शैली में सुधार लाना होगा। लेकिन इस तरीके के आरोप अगर आगे लगते रहे, हालांकि 60 साल के बाद सरकार भी बुजुर्गों पर रहम खा जाती है, लेकिन इस तरीके की भाषा शैली को सुधारना होगा जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह। सो फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू सी दिस काइंड ऑफ फैक्ट्स इन फ्यूचर, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड वॉच द लेटेस्ट वीडियोज बाय लाइकिंग इट एंड प्रेसिंग द बेल आइकन।